आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। ट्रक लूटपाट कांड का मेघजाम पुलिस ने किया उद्भेदन, एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देवगढ़ जिले के चित्रा कोलियरी से बंगाल के कोलकाता जा रही एक ट्रक लूटपाट कांड का मेघजाम पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है, साथ ही तीन शातिर अपराधियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया जाता है कि चित्रा से कोलकाता जा रही एक ट्रक को जामताड़ा जिले के मेघजाम थाना क्षेत्र के शहरडाल मोड़ के पास बीते 16 जून को देर रात अज्ञात अपराधियों द्वारा लूट कांड को अंजाम दिया गया था, जिसमें ट्रक से 5 लाख रुपए की छिनतई किए जाने का ट्रक चालक द्वारा मामला मेघजाम थाने में दर्ज कराया गया था। इस मामले को पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने गंभीरता से लिया और मामले का उद्भेदन करने में सफलता पाई। पुलिस ने ट्रक चालक पर ही संदेह जताते हुए इस काम को अंजाम देने में सफलता पाई है। आज पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। बताया गया कि मेघजाम थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया गया, जिस मामले में 6 अपराधियों का नाम सामने आया है और पुलिस की छापेमारी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 3 फरार हैं। 3 आरोपियों को देवघर जिले के सारवा थाना अंतर्गत नवखेता गांव व अन्य जगहों से गिरफ्तार किया गया है। वहीं लूटकांड में लूटे 5 लाख में से 2,40,000 की बरामदगी भी की गई है। मामले का मास्टरमाइंड खुद ट्रक चालक वासिम अंसारी, सहायक चालक शहजाद अंसारी और अफजुल अंसारी शामिल थे। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। गत 16-17 तारीख की रात में मध्य रात्रि के आसपास में हमारे मेघजाम थाना अंतर्गत बोधमा में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें कि एक ट्रक चालक के द्वारा यह बताया गया कि जब वह कलकत्ता की तरफ बढ़ रहे थे तो बीच में कुछ लोगों ने उन्हें रोका और ये लूट की घटना कारित की और उनके पास जो 5 लाख रुपए थे उसको लूट लिया था। तत्पश्चात मेघजाम थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा अच्छा प्रयास करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है और अब तक हमने 3 लोगों का पकड़ा है। इस पूरे कांड में इस ड्राइवर और इस खलासी की संलिप्तता थी और 5 लाख जो लूटे गए थे उसमें से अभी तक 2,40,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए। हमारा प्रयास होगा कि अन्य जो 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम इस पूरे कांड में आया है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें और बाकी का पैसा भी रिकवर करने का प्रयास करेंगे।